फोटोशॉप का मैं मुकम्मल काम कर लेती हूँ, कोई कस्टमर आता है उसकी डील भी कर लेती हूँ। हम चारों बहने आपस में भाइयों की तरह ही रहते हैं, हमें कभी भाई की कमी महसूस नहीं हुई। लोग कहते हैं कि बेटी बेटी, मैं कहता हूँ बेटियां बेटों से भी बेहतर है, कि अल्लाह का शुक्र है कि माँ बाप का सहारा यही बनती है। रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके डिजिटल पाकिस्तान के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। मेरा नाम अलीना शफीक है, मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। हम चार बहने, हमारा भाई कोई नहीं है, हमारे पापा भी हमारे साथ ही दुकान पर बैठते हैं। मैं गवर्नमेंट डेवी गर्ल्स हाई स्कूल बाडापुर में पढ़ती हूँ। पापा ने भी कभी हमें डांटा वगैरह या मारा वगैरह नहीं है, पापा भी हमारे साथ बहुत अच्छे हैं। पापा की वजह से ही हम आज यहाँ पर बैठ रहे हैं। बड़े होकर मुझे प्रोफेसर बनने का शौक है, कंप्यूटर प्रोफेसर बनने का शौक है। मैं तो पहली क्लास से बैठ रही थी और अब मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, तो कभी एक मिनट में भी ऐसी बात नहीं हुई कि किसी कस्टमर ने हमें छेड़ा हो या बदतमीजी की हो या। मेरा नाम अनिल है। हम दरअसल ये बात ये है ना कि हम लोग चार बहनें हैं, हमारे साथ कोई भी नहीं है, ना भाई है ना कोई और है, सिर्फ हमारे पापा ही हैं। शुरू से जब पापा की शॉप बनी हुई थी तो पापा के साथ कस्टमर्स जो होते थे वो होते थे, तो शॉप पे काम काफ़ी ज़्यादा होता था, तो पापा इतना डील ही कर पाते थे। तो साथ पापा ने काम करने के लिए लड़के रखे, लेकिन वो लड़के काम में इतनी दिलचस्पी वगैरह नहीं लेते थे। तो फिर मैं अपने पापा के साथ आई, तो मैंने देखा, मैंने कहा यार वो काम में दिलचस्पी नहीं ले रहे, तो फिर मैं अपने पापा के साथ काम करूँ। हाँ, मैं मग बना लेती हूँ, जो पीछे बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना हो वो एडोब पर सारा काम कर लेती हूँ। जब मैं अपने पापा के साथ काम करना शुरू हुई तो मुझे तस्वीरें वगैरह कुछ भी बनानी नहीं आती थी, तो फिर मैंने आके 2-3 दिन इधर शॉप पे बैठना स्टार्ट किया, तो इस तरह मेरा काम में दिल लग गया, मुझे काम आ गया। फिर मैं काम अपने पापा के साथ करती रही हूँ, फर्स्ट क्लास से लेके मैं 9th क्लास तक काम करती रही हूँ। अब मेरे पापा 10वां भी मार रहे थे जी, मैं सारा काम कर लेती हूँ, इंडियन एल्बम, फोटोशॉप, प्रोफेशनल सारा काम मैं कर लेती हूँ, कोई ऐसा काम नहीं जो मैंने। मेरा नाम मोहम्मद शफीक है, शफीक फ़ोटो स्टूडियो के नाम से दुकान है। 84 में मैंने काम किया, 84 से ही मैं काम करता आ रहा हूँ। मैंने मैट्रिक अतः वहाँ स्कूल से की, उसके बाद मैं इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड में पढ़ता रहा, एफ ए उधर मैंने किया, उसके बाद मैंने दुकान का काम भी किया, कॉलेज भी पढ़ता रहा हूँ, सारा काम मैंने संभाला हुआ था अपने वाले साहब के साथ। जितना डार्क रूम का काम होता था, ब्लैक एंड वाइट का, फिल्म डेवलपिंग, प्रिंटिंग, वो मैं करता था। माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद कंप्यूटर दौर आ गया। 2006 में मेरे वाले साहब वफात पा गए थे, मैं काम करना शुरू हो गया, बाद में मेरी बेटियों को काम आना शुरू हो गया। मेरी बेटी मेरे साथ पूरा तामन करती रही है, अडोब फोटोशॉप के माशाल्लाह मास्टर है। बड़ी बेटी, छोटी बेटी तीसरे नंबर पर ये है। अब अल्लाह का शुक्र है कि इसने सारा काम संभाला हुआ, मुझे किसी किस्म की परेशानी नहीं है। लोग कहते हैं कि बेटी बेटी, मैं कहता हूँ बेटियाँ बेटों से भी बेहतर है, कि अल्लाह का शुक्र है कि माँ बाप का सहारा यही बनती है, और बेटे भी बेहतर होते हैं। बेटे फिर भी टाल मटोल कर देते, बेटी कभी भी ना नहीं करती। सुबह 8 बजे दुकान खोलते, रात को 8:30 बजे बंद करके चले। बस इनको पता था कि मेरे पापा अकेले हैं, इसलिए इनको शौक पैदा हो गया देख देख के मेरा सहारा इन्होंने बनना। और मैं कहता हूँ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे साथ इन्होंने बहुत तामन किया, बहुत अच्छा, कि मैंने कभी नहीं सोचा कि ये बेटे हैं या बेटियाँ, बेटों से भी बेहतर है। मेरा सारा काम संभाला हुआ है, मुझे किसी किस्म की परेशानी नहीं। मैं कहता हूँ अल्लाह पाक हर एक को ऐसी बेटियाँ देता। मेरी बड़ी बेटी जो वो फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है, माशाल्लाह वो बहुत ज़हीन है, मैट्रिक में उसने 930 नंबर दिए, अब फर्स्ट ईयर में उसने पेपर दिए, वो कहती है ICS में कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के हुक्म से वो बहुत लाइक है, इंशाल्लाह करेगी, अपनी उम्मीद पे पूरी उतरेगी। मैंने इनसे कभी नहीं पूछा क्या करना, मैं कहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है मुझे इनके ऊपर इतना भरोसा है कि पढ़ाई में भी बहुत लाइक है, ये नहीं कि नालायक है। मैं इनसे कभी नहीं पूछता क्या कर रहे हो, क्या चीज़ है, मुझे इन पर फ़ख्र है कि अल्लाह पाक ऐसा हर घर में ऐसी बेटियाँ होनी चाहिए जो माँ बाप का सहारा बने और कामयाबी।